Flashback. ओहो भाई ऑफ रोडिंग ही हो जा रहा है भाई। ऑफ रोडिंग करने के बाद अभी ट्रेकिंग करके हमको जाना पड़ रहा है। नीचे तो चले जाएंगे लेकिन ऊपर आते हुए एकदम फटके चार हो जाएगा। हे भाई सांस फूल रहा है भाई, पता चल रहा है कि मतलब ज्यादा उनका क्या होता है भाई। योगी इनकमिंग। One hour later. তুম যাও না ভাই, হম লোক দেখতে কিতনা ডিপ হে, যাও 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 যাও। ইসকো কাটনা আতা ইসকো, কিতনা কে রহা উদার স্কুল মে গয়া ও তেরি ও তেরি ফ্রেন্ডি কি স্কুল গয়া ফ্রেন্ডি। সো হ্যালো এন্ড গুড মর্নিং গাইস। अभी जो है भाई मैं उठ नहीं पाया हूँ क्योंकि रात को जो है बहुत देर से सोया था यार, तो अभी लग रहा है सब लोग ऑलरेडी नीचे चले गए हैं। हम लोग तो ऐसे ही टेंट में हैं, मैं टेंट दिखाना भूल गया था आपको। सो दिस इज द इनसाइड ऑफ द टेंट। चलिए देखते हैं बाहर थोड़ा क्या तमाशा चल रहा है। ये रहा कहाँ का सीन भाई, तो दिख रहा है ये देख ले भाई साहब। अरे पूरा जो है गाइस नदी पे उतर गए ये लोग, वहाँ पे नहाना चालू। पहले लोग हाथ दिखा रहे हैं, राम जादू कुत्तू। सो मेरा जो है गाइस तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सुबह वो लोग बुलाए थे तो जाने के लिए तो मैं गया नहीं। आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो बुला रहा थी जैसे रात का जुगाड़ है भाई, तो इतनी हालत में सब पड़ा हुआ है। चलो मिलते हैं बाद में, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। One eternity later. ये रहे हमारे मशहूर यूट्यूबर। आखिरी में काम मिल ही जाता है। तो ये है हमारे कलकत्ता के मशहूर यूट्यूबर ग्रीलोजी। देखिए अपना काम दिखाते हुए भाई। ये चिकन तो कुछ अजीब सा लग रहा है भाई। विद स्किन केएफसी वाला। तो आज जो है हम लोग लंच करेंगे ग्रिलोलॉजी का जो प्रिपरेशन है उससे। ऑल इज वेल, होप ऑल इज वेल एंड एवेंचुअली। ए यहां पर नीचे दौर एक्सपेक्ट लेट मी यस एंड सक्सेसफुली। One eternity later. तो अभी जो है नहाना हो गया कंप्लीट, अभी वापस चल रहे हैं भाई, इधर से उतरेंगे। चलो भाई अभी रेडी होके निकलना होगा, टाइम हो गया है 11:30 बज रहा है भाई, और ऊपर उठते फिर जो फटने वाला है भाई, मतलब क्या होता। चलो भाई बहुत दिनों के बाद यार ऐसा ट्रिप हुआ। हाँ ये जगह तो जो है वो है अनलाइकली हेवन, उसमें कुछ बोलना नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है। पूरा दुनिया से कटा हुआ है, वैली पे उतरोगे ऊपर से बस कट गए ऐसे भाई। वहाँ से भाई ठीक है ना, ट्रिप हो गया खत्म। कैसा आपने एंजॉय किया, पैसा वसूल हुआ कि नहीं मिस्टर शेफ ग्रिलोलॉजी? तो भाई जाने का तो बिल्कुल इच्छा नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा,
पापी पेट। और ये हम लोग चांद मामा और चांद चाचा। पुलिस से क्या बोलेंगे, यहाँ आके बहुत मजा मिला, जाना तो पड़ेगा भाई। तो ठीक है भाई, हम लोग अभी तैयार हो लेते हैं, उसके बाद चलो ऊपर वाला रास्ता दिखाएंगे भाई, कहाँ से ऊपर जाना है। मतलब वो ऊपर नहीं, यहाँ से ऊपर। तो गाइस राइड जो है अभी खत्म हो गया है हम लोगों का, सब पैकिंग वैकिंग भी हो गया है। तो हम लोगों का अभी होने वाला है ब्रेकफास्ट, तो भाई लोग उधर ही सब बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं खाना आएगा। और उसके बाद जो है भाई अपन लोग निकलेंगे फैमिली, ऑफिस, यूट्यूब, ये सब के बाद अपने लिए बस टाइम ही नहीं बचता है। तो ऐसे छोटे मोटे ट्रिप जब होते हैं तो माइंड बहुत क्लियर सा हो जाता है, इतने काम के प्रेशर के बीच में। दिस इज वंडरफुल, दिस इज द बेस्ट यू कैन हैव, दिस इज व्हाट यू शुड हैव। सो एज दे से वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर, सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू राइट नाउ। तो अभी भाई मूड थोड़ा ख़राब लग रहा है क्योंकि भाई राइड जैसे ही ख़त्म हो गया, दो दिन का था, तो क्या कर सकते हैं। तो चलो खाना पीना करते हैं, उसके बाद निकलेंगे, 12 तो बज ही रहा है अभी। चलो तो भाई आज के लिए जो है, इस ट्रिप के लिए जो है कहानी अभी ख़त्म हो गया है। भैया जो है ही इज़ द ओनर ऑफ रोंगो रिसोर्ट, और या फिर आप रोंगो रिवर कैंप बोल सकते हैं। तो भैया कुछ बोलना चाहेंगे आपको, बोल लीजिए भैया। अच्छा नमस्कार सबको। तो मेरा नाम राकेश शर्मा है, तो यहाँ का ऑनर मैं हूँ। ये कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, रोंगो रिवर कैंप एंड कॉटेज। आपका दादा का ये यूट्यूब चैनल से मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ ये जगह के लिए, कि जिसको एडवेंचर जो पसंद करते हैं, एडवेंचर पसंद जो करते हैं, वो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर। एडवेंचर है एकदम, यहाँ पर एकदम एक नेचुरल स्विमिंग पूल भी है, नेचुरल झरना है, और आपका यहाँ पर एकदम अनोखा एक्सपीरियंस होगा भाई, एक्सपीरियंस होगा। और यहाँ पर दो कॉटेज है, एक कैप्सूल हाउस है, और यहाँ रिवर कैंप है, इसका अलग अलग रेट है। आप मेरा नंबर नोट कर दीजिए, 9593681592, इसमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए, और मेरे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने में थोड़ा आपको बेनिफिट भी होगा, और दादा के चैनल से थोड़ा आएंगे, थोड़ा बेनिफिट उससे भी होगा। एकदम डिस्काउंट कर दूंगा, क्योंकि दादा बहुत बढ़िया बढ़िया है, इसी कारण मैं बोल रहा हूँ। तो थैंक यू, चलिए थैंक यू। तो भाई चलो ट्रिप हो गया है खत्म। भैया का जो है डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फ़ोन नंबर के साथ। अगर आपको यहाँ पे आना है, जो कि आपको एक बार तो ज़िंदगी में करना ही चाहिए भाई, सीन तो देख लो। ये रहा भाई आपका बैल्कनी और टेंट, और ये रहा सामने का नज़ारा भाई। इसमें भी अगर आपको मतलब कन्विंस करना पड़ेगा आपको यहाँ आना चाहिए, सो और कुछ कहना नहीं है मुझे। तो भाई ये सब छोड़ के भी जाने का हो गया है टाइम भाई, हम लोग निकल रहे हैं रिवर कैंप से। रास्ता भी खतरनाक है भाई, यहाँ से उतर के भाई। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे मारो। स्टेयरवे टू हेवन मन हो चुका भाई, अभी तो या फिर चढ़ना पड़ेगा या तो वीडियो करना पड़ेगा, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ भाई। लास्ट मोमेंट में इंसान को देख लो भाई, ओवरलोड गाड़ी रुक गया भाई, तेरे को ब्लड डायमंड जैसे उठा के लेके जाऊं क्या? चल भाई। ओ भाई पेड़ पकड़ पे खड़ा हुआ है, पेड़ पकड़ के ले हलवा, वो लोग तो कहाँ चढ़ गए भाई। चलो भाई अपना भी हालत खराब ही है भाई, वीडियो कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन बहुत फट रहा है भाई, मतलब हाथ में आ गया ऑलरेडी। चलो भाई A few moments later. ये जो वैसे दूसरा ही पड़ाव है, हम लोग लगता है हाफ ही आ पाए हैं अभी तक, हम ही लोग बचे हैं नीचे दोनों, इनके पास तो पहुंच गए, बाकी लोग लगता है ऊपर चले गए हैं, लोग सब इधर ही बैठे हुए भाई, सबका फटका है ना भाई, बोला था मैंने। One hour later.